हेलो फ्रेंड्स, होममेड टेस्टी बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इस अवसर पर आज हम बनाएंगे मखाने के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बनाने में आसान होते हैं और साथ ही हेल्दी भी होते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 100 ग्राम मखाने, आधा कप दूध, 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमें मखाने भूनने हैं इसमें तो थोड़ा भी ले सकते हैं। थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश है, तरबूज के बीज हैं, काजू के टुकड़े हैं और बादाम के टुकड़े हैं। मैंने 2 तरह की चीनी ली है, सफ़ेद चीनी ली है जो हम घर में खाते हैं, और ब्राउन शुगर ली है। आप कोई एक शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने यहाँ कार्डेमम पाउडर लिया है। आइए हम मखानों को भून लेते हैं। थोड़ा घी डालेंगे पैन में गर्म करके। हमें मखानों को 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है। घी डालने से मखाने अच्छे से पक जाते हैं। और अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। बादाम डाल लेंगे, काजू डाल लेंगे, साथ ही हम तरबूज के बीज डाल लेंगे। किशमिश हम बाद में डालेंगे, क्योंकि किशमिश हमारी जलने लगती है, इसलिए हम सब को 1 मिनट के लिए इनको रोस्ट कर लेंगे और किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश डालने के बाद बस हमें हल्का सा भून के इसको उतार लेंगे। और अब चलिए, आइए हम दाल मखानों को अच्छे से ग्राइंडर में डालकर उनको बारीक पीस लेंगे। इनका हम पाउडर बनाएंगे। देखिए, बारीक महीन पीस लिया है मैंने। इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर ऐड करेंगे साथ ही, और साथ ही हम इसमें दोनों शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि लड्डू की बाइंडिंग हो सके। हम बीच में बांध के देख लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इतना डालेंगे कि लड्डू आराम से बन जाए। ये देखिए, लड्डू की कंसिस्टेंसी बनने लगी है। अब हम इनके लड्डू बना लेंगे। आप इन लड्डुओं को बनाकर 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और खाने में ये बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी भी हैं, और बनाने में उतने ही आसान भी होते हैं। आप इन्हें किसी भी नवरात्रों में, व्रत में, किसी भी ओकेजन में 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर और स्वादिष्ट हैं खाने में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो बताइएगा, आप जरूर बनाइएगा। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं। है ना, कितना सॉफ्ट। आप बनाइए, खाइए, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.